गुड मॉर्निंग एवरी वन. अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी लर्न अबाउट फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एंड टुडे वी लर्न किंगडम प्रोटिस्टा. सो लेट्स स्टार्ट. प्रोटोजोवान प्रोटिस्ट इन प्रोटोजोवा वर फर्स्ट स्टडीड बाई लिवेन हॉक इन वन मिनट लिवेन हॉक इन 1677. ठीक है. किंगडम प्रोटिस्टा को प्रोटोजोवान प्रोटिस्ट जो है वो ये लिवेन हॉक के द्वारा 1677 में सबसे फर्स्ट किया गया था. एंड नेम प्रोटोजोवा वाज कॉइंड बाई गोल्डिफस. प्रोटोजोवंस वर ट्रीटेड एज फर्स्ट एनिमल्स बिफोर द डिस्कवरीज ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर मोनेरास. देयरफॉर दे आर नेम्ड एज प्रोटोजोवा. प्रोटोस मीन्स फर्स्ट एंड जोवान्स मीन्स एनिमल. इट इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप विच इज इंक्लूड अबाउट 50,000 स्पीसीज. हम पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि प्रोटोजोवान्स जो है वो फर्स्ट एनिमल्स हैं और इनमें लगभग 50,000 स्पीसीज का स्टडी अभी तक किया जा चुका है. इनमें जो एनिमल्स होते हैं अलग अलग साइज से डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले होते हैं. ठीक है. तो जनरल कैरेक्टर तो हमने प्रोटोजोवान्स का पढ़ा ही था और ये जो है वो यूनिसेलर और माइक्रोस्कोपिक, बट यूकैरियोटिक सेल वाले होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं एंड दे आर सॉलिटरी बट समटाइम्स अबाउट कोलोनाइड भी होते हैं. मूवमेंट कर सकते हैं या फिर एक जगह स्थिर भी रह सकते हैं और मोइस्ट प्लेस में ज़्यादातर ये वाटर वगैरह में पाए जाते हैं. इनमें लोकोमोशन के लिए अलग अलग जो है वो पाया जाता है. सीडोपोडिया, फ्लैजिला या सीलिया पाए जाते हैं. दे सो होलोजाइक न्यूट्रिशन बट सम आर पैरासाइट्स भी होते हैं एंड आल्सो फोटोट्रॉपिक भी होते हैं, है ना. तो इस प्रकार डिफरेंट कैरेक्टर्स वाले एनिमल्स को प्रोटोजोवान्स में रखा गया है जो कि माइक्रोस्कोपिक और यूनिसेलुलर है. बट इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन द प्रोटोजोवान प्रोटिस्ट हैव बीन क्लासिफाइड इनटू फोर फाइला ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकोमोशन एंड प्रेजेंस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स. ठीक है. These are, first is the rhizopoda or cycloidina and second one is the mastigophora or zooplangleta and third one is the sporozoa and fourth one is the ciliata. First is the rhizopoda or cycloidina. They are irregular in shape. Amoeba, for example amoeba, entamoeba, etc. आप लोग जानते ही हैं, शुरू से पढ़े हुए हैं कि अमीबा का डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं होता, इरेगुलर शेप होता है. इनमें लोकोमोशन जो है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है. इस प्रकार झूठा पैर, स्यूडोपोडिया मतलब स्यूडो मीन्स झूठा, फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फूड, फॉल्स फूड के द्वारा होता है, फूड के द्वारा. ठीक है. तो इस प्रकार पेलिसाइड इज़ नॉट फाउंड एंड न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है. जैसे यहाँ पर स्यूडोपोडिया बन रहा है, यहाँ पर जो है फूड आता है और ये चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है. इस प्रकार ये फूड वैक्यूल बन जाता है और फिर वो फूड को सेल के अंदर करके डाइजेस्ट कर लेते हैं. इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक कहलाता है. फाउंड इन फ्रेश वाटर और इन सी वाटर, ये सभी जगह पाए जाते हैं. फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी वाटर में भी पाए जाते हैं, एनिमल के ऑर्गन्स में भी पाए जाते हैं. जैसे एंटमीबा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है. ये एक प्रकार का पैरासाइट होता है. ठीक है. मोस्टली फ्री लिविंग बट सम आर पैरासाइट्स. एंटमीबा हिस्टोलेटिका विच इज़ फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स, वेयर एज एंटमीबा जिंजिवेलिस इज फाउंड इन गम्स ऑफ टीथ एंड कॉस डिसेंट्री एंड फायरोथिया. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज़ द मास्टिगोफोरा और जू फ्लैजिलेटा. ये जो होता है ये
इनमें फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है ना। लोकोमोशन के लिए क्या होता है, ये फ्लैजिला देख पा रहे हैं, एक पंख टाइप का, विंग्स टाइप का होता है। बॉडी इज़ कवर्ड बाई पेलिकल, इनका पूरा जो बॉडी है वो पेलिकल से कवर्ड होता है। द सेल बॉडी हैज़ डेफिनेट शेप, इसका जो बॉडी का सेल है वो डेफिनेट शेप का होता है। दे आर फ्री लिविंग बट सम आर पैरासाइट, ये पैरासाइट के रूप में भी होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, लेस्मानिया, जियार्डिया एक्सेट्रा। सम फ्लैजिलेट्स में भी सिम्बायोटिक एंड इट इज़ फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम इंसेक्ट विच प्रोड्यूस सेलुलोज एंजाइम एंड हेल्प इन डाइजेशन इन इंसेक्ट। ये कुछ इंसेक्ट के डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं और उनके फूड को डाइजेस्ट करने में उनका हेल्प करते हैं। दे शो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बाई एब्जॉर्प्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई बाइनरी फिजन के द्वारा एंड रिवर्स फूड इज ग्लाइकोजन, रिजर्व जो फूड को रिजर्व करके रहते हैं ग्लाइकोजन के रूप में करके रखते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, एलेस्मानिया एक्सेट्रा। एंड थर्ड वन इज द स्पोरोजोवा प्लाज्मोडियम। ऑल आर पैरासाइट्स, दे आर एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, ये सभी जो है पैरासाइट्स के रूप में होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स के बॉडी में रहते हैं। पेलिकल इज फाउंड इन सराउंडिंग द बॉडी, बॉडी के चारों ओर पेलिकल का एक सराउंडिंग्स इनमें पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर नॉट फाउंड, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर फाउंड एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज फाउंड, इनके जनरेशन में अल्टरनेशन जो है वो पाया जाता है। न्यूट्रिशन इज सेप्रोफाइटिक, द फूड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द जनरल सरफेस। ये दूसरे एनिमल्स के बॉडी के अंदर रहते हैं और उसका जो खास करके डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं, तो उनके द्वारा जो न्यूट्रिशन लिया जाता है उसी को एब्जॉर्ब करके ये न्यूट्रिशन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू सिनगेमी, इट इज़ फॉलोड बाई स्पोर फॉर्मेशन, हेंस कॉल्ड स्पोरोजोमास। दे मे बी पास्ड इन वन मोनोजेनेटिक आर टू डिफरेंट होस्ट डाइजेनेटिक, या तो एक ही जीव के अंदर रहेंगे या फिर दो जीव के अंदर ये अपना लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। ओके, हियर इज कॉल्ड फिगर प्लाज्मोडियम। एंड नेक्स्ट वन इज सिलिएटा, एग्जाम्पल इसका पैरामीशियम है और वर्टिसेला है। एज यू सी द पिक्चर पैरामीशियम, बॉडी इज कवर्ड बाई पेलिकल, इनका बॉडी जो है वो पेलिकल से कवर्ड रहता है। सीलिया आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सर्फेस ऑफ द बॉडी थ्रू आउट द होल लाइफ एंड हेल्प फॉर लोकोमोशन एंड टू कैच द फूड। ठीक है, पूरे बॉडी में हम सीलिया देख पा रहे हैं जिससे ये लोकोमोशन कर पाते हैं और फूड को कैप्चर करने में भी ये सीलिया जो है वो इनका हेल्प करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूस आर नॉट फाउंड, न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, टू न्यूक्लियाई आर फाउंड इन देम, लार्ज माइक्रो न्यूक्लियस एंड स्मॉल सॉरी लार्ज मैक्रो न्यूक्लियस एंड स्मॉल माइक्रो न्यूक्लियस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फ्यूजन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई कंजक्शन आर फाउंड। ये कहीं से भी अगर कट जाते हैं तो ये फिर से नया एक पैरामीशियम बन जाते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और दो पैरामीशियम कंजक्शन करके एक नया पैरामीशियम बना देते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। माइक्रोन्यूक्लियस हेल्प फॉर रिप्रोडक्शन वेयर एज मैक्रोन्यूक्लियस हेल्प फॉर रेगुलेशन ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। प्रोटोप्लाज्म इज डिविजिबल इंटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, और एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम एंड वर्टिसेला। सो किंगडम प्रोटोजोवा इज ओवर देन, एंड नेक्स्ट किंगडम इज फंजाई। ओके, सो लेट सम इंट्रोडक्शन ड्यू टू किंगडम फंगी आर फंजाई। फंगी मीन्स फंगस,
constitute a very large and divergent group of organisms having more than 1 lakh known species. The word fungus has been derived from a Latin word meaning mushrooms. Mushrooms, you know what is mushroom? Earlier scientists placed fungi along with the algae in the division Thallophyta, but Whitaker in his five kingdom classification placed them in a separate kingdom. Study of fungi is known as mycology. Mycos means a mushroom and logos means discourse. Okay, तो fungi जो शब्द है, जो word है, वो mushroom, इसका मतलब लैटिन मीनिंग होता है मशरूम. मशरूम आप लोग जानते हैं ना, जिसको खाते भी हैं. अभी बरसात के दिनों में गोबर वगैरह में काला काला छतरी के समान मशरूम आपको दिखाई देगा. ब्रेड को अगर हम मॉइस्ट करके रख दें तो इसमें छोटे छोटे दाने और धागे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ना. और ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, येलो कलर का, डिफरेंट कलर के होते हैं. लकड़ी वगैरह जो सड़ जाता है उसके ऊपर ब्लैक कलर का या वाइट कलर का या येलो कलर का स्ट्रक्चर बन जाता है, आ जाता है. यही है फंगी या फंजाई. विटकर ने इनको फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सेपरेट किंगडम दिया. इसको पहले थैलोफाइटा ग्रुप में रखा गया था और विटकर ने इसको फाइव किंगडम में सेपरेट किंगडम फंगी के रूप में दिया. और इसका जो स्टडी करने का जो साइंटिफिक ब्रांच है वो है माइकोलॉजी. ओके, एंड द लेट्स लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ फंगी. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं इसके. फंगी आर एकोलोरोफाइलस. दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, है ना. इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है. दस दे आर नॉन फोटोसिंथेटिक एंड सोस हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. और इनमें जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वो हेटरोट्रॉपिक होता है. द बॉडी स्ट्रक्चर इज इन द फॉर्म ऑफ थैलस विच इज़ कम्पोज्ड ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कार्ड हाइफी. द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज कार्ड माइसीलियम. अभी जैसे मैंने आपको बताया, ब्रेड को अगर आप गीला करके एक दो दिन रख दें तो इस एक्सपेरिमेंट को करके घर में देखना. ब्रेड में थोड़ा सा दूध या थोड़ा पानी डाल के एक कोने में अंधेरे जगह में रख देना और एक दो दिन बाद इसमें देखोगे तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा. आपस में जाल के समान स्ट्रक्चर होगा. इसमें छोटे छोटे दाने के समान संरचना होगा जो उसका हेड होगा, जो स्पोरोजिनस होते हैं. ये स्पोर्स बनते हैं इसमें, ठीक है. तो यही होता है फंगस या फंगी. और ये जो थ्रेड का नेटवर्क होता है इसे माइसीलियम कहा जाता है. हाइफी में भी सेपरेटेड एज एस्पेटेटेड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन और फंगल सेलुलर्स. इसका जो सेल वॉल होता है, हमने देखा कि प्लांट्स के सेल में सेल वॉल होता है, वैसे इसमें भी सेल वॉल होता है. ये सेल जो है वो काइटिन का बना हुआ होता है, ठीक है. रिजर्व फूड इज ऑलवेज फाउंड इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बोथ बाई मीन्स ऑफ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड. सेक्स ऑर्गन्स एंड सेक्सुअलिटी इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड जनरेटेड इन एडवांस फंगी. वास्कुलर टिश्यू आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन फंगी एंड फंगी आर ऑलवेज यूकैरियोटिक इन नेचर. सेल में भी यूनी न्यूक्लिएटेड, बाई न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड. फॉर एग्जाम्पल म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, सैक्रोमाइसिटिस, ईस्ट. कॉमन भाषा में इसको ईस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिटिस को. पेनिसिलियम, प्यूसिनिया, यूस्टी लेगो एक्सेट्रा.
तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट डे जो है वो हम इसके आगे का पढ़ेंगे।